देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों में भले ही बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी हो, लेकिन पार्टी के लिए नतीजे थोड़े नहीं, काफी निराशाजनक हैं। जहां 2014 की विधानसभा चुनाव में पार्टी बहुमत के साथ सरकार बनाने में कामयाब रही थी, वहीं इस बार 75 प्लस का नारा देने वाले गुजरात वाले बाबा को 40 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा और उनकी पार्टी बहुमत से 6 सीटें दूर रह गई। ऐसे में धनतेरस के दिन ही गुजरात वाले बाबा हरियाणा में विधायकों की खरीदी करने निकल पड़े हैं। वैसे भी गुजरात में धनतेरस की खरीदारी काफी महंगी और मशहूर रहती है। खास बात तो यह है कि सत्ता हासिल करने के लिए गुजरात वाले बाबा हत्या आरोपी गोपाल कांडा का साथ लेने के लिए भी तैयार हैं। अपनी महिला कर्मचारी के बलात्कार व हत्या के आरोप में जेल जा चुके गोपाल कांडा ने भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर कहा है कि उनकी रगों में बचपन से ही आरएसएस का खून दौड़ रहा है। कांडा ने यह भी कहा कि उनके पिता पुराने संघी थे। गोपाल कांडा सिरसा विधानसभा सीट से मामूली अंतर से जीते हैं। कांडा ने निर्दलीय उम्मीदवार गोकुल सेतिया को 602 वोटों से हराया है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि 2009 में हुड्डा सरकार में मंत्री रहे और हत्या का आरोप लगने के बाद जेल गए गोपाल कांडा के समर्थन से सत्ता हासिल करके गुजरात वाले बाबा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाले अपने खुद के दिए नारे की धज्जियां उड़ा देंगे। उधर सोशल मीडिया में लोग भी गोपाल कांडा को लेकर भाजपा नेताओं की तरफ से किए गए पुराने ट्वीट और फोटो निकाल कर गुजरात वाले बाबा से पूछ रहे हैं कि तीन तलाक पर मुस्लिम बेटियों को इंसाफ दिलाने वाले, हिंदू बेटी गीतिका शर्मा को आत्महत्या को उकसाने के लिए प्रेरित करने वाले आरोपी को सजा दिला पाएंगे या नहीं। आपको बता दें कि हरियाणा में बीजेपी को 40, कांग्रेस को 31, जेजेपी को 10 और अन्य को 8 सीटें मिली हैं। ऐसे में बहुमत के आंकड़े तक पहुंचने के लिए भाजपा को 6 विधायकों की जरूरत है और 5 निर्दलीय विधायक जो भाजपा से ही अलग होकर लड़े थे, उन्होंने अब गुजरात वाले बाबा के सामने धनतेरस मनाने का ऐलान कर दिया है। वहीं सत्ता सुख हासिल करने के लिए हत्या आरोपी गोपाल कांडा का समर्थन लेने को लेकर भाजपा के अंदर ही कलह शुरू हो चुकी है। भाजपा की फायर ब्रांड नेता उमा भारती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है कि सत्ता हासिल करने के लिए गोपाल कांडा का साथ न लिया जाए। उधर 10 सीटें जीतने वाले जेपीपी के अध्यक्ष दुष्यंत चौटाला अपने पिता को बचाने के लिए भाजपा से डील कर सकते हैं। अब देखना यह है कि गुजरात वाले बाबा क्या करते हैं। वैसे धनतेरस में महंगी खरीदारी के लिए बाजार तो सज चुका है और जब बाजार सजता है तो खरीदार भला मोल भाव तो करता ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, देश लाइव।